दुश्मन। तुम इससे नाराज हो? एक औलाद है जो मुझे अपना दुश्मन समझती है, और एक तरफ तुम्हारे बाबा, वो तो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। अम्मी, आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते? आपने उनके खिलाफ जाके इमन को जो सपोर्ट, वो और क्या करे? तो और क्या करती? अपनी बेटी को तन्हा रुलने के लिए छोड़ देती? मैं आपको अपना रवैया बदलना होगा। आप घर में हर एक से उलझ रही हैं, और मायरा से जो आपने बिना वजह की दुश्मनी पाल ली, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हाँ हाँ, तुम्हें तो बुरा लगेगा ही। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा मुंह मत खुलवाओ। ये ऐसी चिंगारी है, अगर ये बाहर निकल गई ना तो पूरे घर को आग लगा देगी। अम्मी, पहेलियां क्यों बुझवा रही? जो बोलना है साफ साफ बोले। तुम मेरे बेटे हो शामिर, और तुमने ऐसी हरकत की है जिसकी मुझे तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आप क्या कहना चाह रही है, मैं समझ नहीं रहा। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मुझे पता चल गया है कि मायरा वही लड़की थी जिसके लिए तुम जोग लेके बैठे हुए थे और शादी से इनकार कर रहे थे। तभी तो मैं बोलूं कि तुम उस मायरा की इतनी तरफदारी क्यों करते हो। ये आपसे किसने कह दिया? अम्मी, मेरा ऐसा कोई माजी नहीं है। वो कोई और लड़की थी जिससे मैं मोहब्बत करता था। अच्छा, जानना चाहते हो तो सुनो, शाइना ने मुझे खुद बताया है। वो बहुत झूठ बोल रही है। वो खुद मायरा से नफरत करती है। वो झूठ बोल रही है। बस कर दो शामिर, मायरा ने पता नहीं कौन सा जादू तुम पे चला दिया कि उसकी सब झूठी सच्ची बातें मान लेते हो तुम। लेकिन बस बहुत हो गया, अब तुम मायरा की तरफ देखोगे तक नहीं। मैंने मायरा की मदद जरूर की थी, मगर हमारे बीच में कुछ था नहीं। हम बस एक दूसरे को जानते थे। होश करो शामिर, अगर जफर को पता चल गया ना तो वो पहले मायरा को मारेगा और फिर तुम्हें। इतनी शर्मनाक बात वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और ये पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। शर्मनाक बात? अम्मी, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी भाभी और उसके बेगैरत भाई ने पैसों की लालच में एक बूढ़े आदमी से उसकी शादी करा दी। ये मत भूलो कि वो बूढ़ा आदमी तुम्हारा चाचा है। अरे मैं कहाँ जानता था, जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ वो मेरे चाचे की बीवी बन जाए। बस जो होना था वो हो गया, अब इस किस्से को यहीं पे ही खत्म करो। अगर आयशा को इस बात की भनक भी पड़ गई ना तो वो मायरा को इस घर में रहने नहीं देगी। मैं सिर्फ आयशा की वजह से खामोश नहीं, वरना इस मायरा को तो मैं इस घर में रहने भी नहीं देती और बर्बाद कर देती मैं इसको। लेकिन अब जो होना था वो हो गया, और अब तुम मायरा की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखोगे, समझ गए तुम? Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.